Hello everyone, in the series of Transfer of Property Act, today we are going to discuss Section 15 of this Act. Section 15 baat karta hai, transfer to class some of whom come under Section 13 and 14. Toh jo Section 13 aur Section 14 mein humne baat kari thi, uske baare mein hi aage isme transfer ki baat kar rakhi hai, ki transfer ho raha hai agar class ke liye. Toh sabse pehle aap Section 13 ke baare mein thoda jaan lijiye. Section 13 ki maine ek video bana rakhi hai, aap us video ko bhi dekh sakte hain. मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ. सेक्शन 13 में होता है कि जब अनबॉर्न पर्सन को आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होती है तो उसके लिए आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है वो हमेशा लिविंग पर्सन में होता है. तो आपको एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा किसी पर्सन के फेवर में जो उस टाइम जिंदा होगा, जो प्रेजेंट उस टाइम एग्जिस्टेंस में होगा. आप डायरेक्ट ऐसे पर्सन के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते जो अभी जिंदा नहीं है. जो अभी जन्म लेगा उसके लिए ट्रांसफर करने के लिए प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो सेक्शन 13 ने बता रखा है. सेक्शन 14 में बता रखा है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो जो एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर तब होगा जैसे ही वो बच्चा अगर जन्म ले लेता है तो उस बच्चे को वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो चुका है. लेकिन अगर जो ट्रांसफर डीड है उसमें कोई कंडीशन डाल दी है कि आप 12 साल तक नहीं ले सकते, 5 साल तक नहीं ले सकते, 18 साल तक नहीं ले सकते, तो वो कंडीशन जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाएगा या 12 साल का नहीं हो जाएगा, जब तक 5 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. लेकिन वो जो कंडीशन डलेगी वो यही डल सकती है कि अनबॉर्न जो बच्चा है वो 18 साल तक की ही कंडीशन डल सकती है, 18 साल से ऊपर की कंडीशन नहीं डल सकती है. ये रूल अगेंस्ट परपेचुटी था. अब हम सेक्शन 15 की बात कर रहे हैं, तो इसमें बता रखा है कि जो सेक्शन 13 और 14 में आपने ट्रांसफर किया है, क्योंकि सेक्शन 13 में आप एक सिंगल अनबॉर्न पर्सन को भी कर सकते हैं और क्लास ऑफ अनबॉर्न पर्सन को भी कर सकते हैं. तो इसमें जब क्लास ऑफ अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है तो उसके बारे में बात करी है. एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं. ये इलस्ट्रेशन है कि ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को. ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ. कि आपके पास लाइफ इंटरेस्ट है, आप इसका एंजॉय कर ले. लाइफ इंटरेस्ट का मतलब होता है नॉन ट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी. आप इसका बेनिफिट लें, इसका एंजॉयमेंट करें, इसका पोजेशन लें प्रॉपर्टी का, लेकिन आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते. देन टू एल्डेस्ट सन ऑफ बी फॉर लाइफ. अब जो एल्डेस्ट सन है अभी बी का, वो अभी प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो अभी प्रेजेंट में नहीं है, वो अभी अनबॉर्न पर्सन है. तो जो बी का अनबॉर्न पर्सन है उसको यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है. तो जो सेक्शन 13 की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो वो हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा उसका उस प्रॉपर्टी में, लेकिन यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है. देन टू सेकेंड सन ऑफ बी एब्सोल्यूटली. और फिर उसका जो बी का सेकेंड सन होगा उसको यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है. मतलब बी का जो फर्स्ट सन है, जो एल्डेस्ट सन होगा, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, वो अनबॉर्न है, उसको आप लाइफ ट्रांसफर कर रहे हो. और जो दूसरा सन होगा उसको आप एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहे हो. तो यहाँ पे जो सेक्शन 13 की कंडीशन है वो ब्रीच हो रही है. तो यही ये सेक्शन बता रहा है कि अगर सेक्शन 13 या 14 में से कोई सी भी एक सेक्शन की कंडीशन अगर ब्रीच होती है, तो जिस लिमिट तक कंडीशन ब्रीच हो रही है उस लिमिट तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसफर है वो वॉइड होगा. लेकिन उस लिमिट के बाद अगर वो वैलिड है तो वो जो ट्रांसफर है वो वैलिड होगा. अब यहाँ पे अगर एग्जांपल में देखें तो अगर बी को लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अगर ये अनबॉर्न है तो इसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए, तो अगर लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे ये कंडीशन वॉइड हो रही है. लेकिन सेकंड सन का जो सेकंड सन होगा बी का, उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन वैलिड है. तो ये सेक्शन में बात करी कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और ट्रांसफर डीड में ऐसा लिखा है कि बी को लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा और फिर बी के बाद एल्डेस्ट सन को लाइफ इंटरेस्ट मिले और फिर बी के सेकंड सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिले, तो यहाँ पे जो बी के एल्डेस्ट सन के लिए जो ये इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है लाइफ इंटरेस्ट, ये वॉइड हो जाएगा. लेकिन बी का जो सेकंड सन है उसके लिए ये वैलिड माना जाएगा. तो जब प्रॉपर्टी बी की बात बी के पास होगी, तो जैसे ही बी की डेथ होगी उस दिन के बाद पूरा जो प्रॉपर्टी का राइट होगा वो बी के सेकंड सन के पास आएगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, क्योंकि अनबॉर्न के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही आएगा. अब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं. If on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a class of persons with regard to some of whom such interest fail by reason of any of the rule contained in the section 13 and 14, such interest fails in regard to those persons only and not in regard to whole class. तो यहाँ पे ये जो class of interest की बात करी है, जब यहाँ पे property का transfer हो रहा है और एक interest create किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, तो क्लास ऑफ पर्सन में ये है कि एल्डेस्ट सन बी का और बी का सेकेंड सन, ये दोनों क्लास ऑफ पर्सन में आ गए. लेकिन इंटरेस्ट फेल हो रहा है बाय रीजन ऑफ एनी रूल कंटेन्ड इन सेक्शन 13 एंड 14. 13 का जो रूल है यहाँ पे या फिर 14 का जो रूल है उसमें से कोई सा भी एक रूल अगर वायलेट होता है
तो ये कंडीशन वॉइड होगी। आप जैसे अभी ये 13 का रूल यहाँ पे वॉइड हो रहा है कि उसको लाइफ इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर ये ब्रीच हो भी रहा है तो सच इंटरेस्ट फेल इन रिगार्ड टू दोज पर्संस ओनली। तो यहाँ पे जो बी का सेकंड साइन है ना, सिर्फ इसी के रिगार्ड में ये इंटरेस्ट वॉइड होगा, नॉट इन रिगार्ड टू होल क्लास। तो ये जो बची हुई क्लास है जो बी का सेकंड साइन है, इसको अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पे ये कंडीशन वैलिड है और ये जो कंडीशन है ये वॉइड हो जाएगी। अब ये 13 का एग्जांपल देख लिया, लेकिन सपोज मान लीजिए अगर 14 का है तो 14 के लिए ये है कि अगर वो कंडीशन क्रिएट कर दे कि जो बी को प्रॉपर्टी मिलेगी वो मिलेगी 21 साल होने पे, और बी के जो एल्डेस्ट सन को मिलेगी 21 साल होने पे, और बी के सेकंड सन को मिल जाएगी जन्म लेते ही, बर्थ होते ही, ऑन द बर्थ। तो यहाँ पे जो 21 साल की कंडीशन है वो वॉइड है, क्योंकि सेक्शन 14 में बता रखा है कि अगर आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं और एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो अनबॉर्न पर्सन के लिए सिर्फ मैक्सिमम आप 18 ईयर्स तक उसको रोक सकते हो, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तब तक ही आप उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे सकते। लेकिन जिस दिन वो मेजर हो जाएगा उस दिन आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 14 की कंडीशन ब्रीच हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ ओन एल्डेस्ट सन के लिए ब्रीच हो रही है, सेकंड सन के लिए ब्रीच नहीं हो रही है। तो सेकंड सन को ये ट्रांसफर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाएगी एब्सोल्यूटली। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।